अगली महिमा है हरिनाम को लेकर के कि भूत पिशाच ब्रह्म राक्षस इत्यादि का भी कल्याण कर देता है भगवान श्री कृष्ण का नाम। तो गरुड़ पुराण के अंदर ये श्लोक आता है, ये श्लोक इस प्रकार से है, जिसको पहले अर्थ पढ़ता हूं मैं, फिर इसका ये श्लोक पढ़ूं ताकि आप श्लोक के साथ ज्यादा कनेक्ट कर सके। सो अमित तेजस्वी भगवान विष्णु या भगवान श्री हरि के कीर्तन से यक्ष राक्षस भूत बेताल प्रेत विनाशक डाकिनीगण तथा अन्य सभी जो हिंसक भूतगण हैं वह सब भाग जाते हैं। भगवान के नाम का कीर्तन समर्पण संपूर्ण अनर्थों का नाशक कहा गया है। भूख प्यास में तथा गिरने लड़खड़ाने आदि के समय भगवान नाम संकीर्तन करके मनुष्य सारे अनर्थों से छुटकारा पा सकता है, इसमें संशय नहीं है। तो श्लोक इस प्रकार से है, कीर्तना देव देवस्य विष्णुर मित तेजसः यक्ष राक्षस वेताल भूत प्रेत विनायकः डाकिन्यो विद्रवन्ति स्म ये तथान्ये च हिंसकाः सर्वानर्थ हरं तस्य नाम संकीर्तनं स्मृतं नाम संकीर्तन कृत्वा क्षित्र प्रख्यालिताधिषु वियोग शीघ्रमाप्नोति सर्वानर्थैन संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है कि उन भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस यक्ष डाकिनी चुड़ैल और इसके अलावा जो भी होती हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सबका कल्याण करने में सक्षम है भगवान श्री कृष्ण का नाम। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है? हुआ है। एक समय हमारे एक बहुत ही महान आचार्य हुए हमारे, उनका नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, यानी हमारे श्री प्रभुपाद जी के गुरु महाराज। ही वॉज सच अ स्कॉलर और नाम में बहुत दक्ष, हर रोज 128 माला जप करते थे, सुबह 2 से लेकर के सुबह 9 बजे तक 128 माला जप, और पूरे दिन प्रचार करते थे, सेवा करते थे। ऐसा एक समय ऐसा हुआ कि एक राजा थे, उनकी बेटी थी राजकुमारी, उनको जो है एक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया था। अब ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया, अब ये ब्रह्म राक्षस की आवाज बोलती थी मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। पिताजी बोलते ऐसा नहीं बोलते, अपने पिता को मार डालेगी तू? हाँ, तुझे भी मार डालूंगी। और जितने झाड़ फूक वाले आए थे सब करते जाए काली कलकत्ते वाली तेरा वचन जाए खाली फू, और जो फूक करते थे उस फू को खा लेते थे। टेस्टी स्वादिष्ट। अब ये राजा ने कहा भाई क्या करें, ये तो झाड़ फूक भी खा जाती है तो, और स्वादिष्ट स्वाद से खाती है। और खैर आव रखा डाबरा छू, क्या करें। तो ऐसे में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पास पहुंचे, इनके जो राजा थे लड़की के पिताजी पहुंचे। उन्होंने बोला जी मेरी बेटी है वो ब्रह्म राक्षस से ग्रस्त है, हमने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, आप कुछ कल्याण कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा चले चलते हैं। तो उसका उस ब्रह्म राक्षस के पास पहुंचे, ब्रह्म राक्षस ने जब देखा श्री भक्ति सिद्धांत महाराज को, यानी वो जो लड़की थी, उसने दंडवत किया पहले। महाराज जी प्रणाम स्वीकार करें। उसके बाद श्री भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये जो ब्रह्म राक्षस था ये राजकुमारी से निकल गया, राजकुमारी के शरीर से निकला और पानी की मटकी थी उसमें घुस गया। उसके बाद ये पानी की मटकी हवा में उड़ी और सब देखे दंग रह गए। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एक ऊंचे स्थान पर बैठे हुए थे, ये मटकी नीचे गई और नीचे जाके फूटी था और पानी जो था वो बहने लगा, कहां ऊपर की ओर, पानी कहां बहता है नीचे की ओर, लेकिन ये पानी बहा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर बहा, और जहां श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बैठे हुए थे उनके चरणों को उस पानी ने छुआ और था वहीं की वहीं उसको दिव्य स्वरूप मिला और उसने प्रणाम किया। उसने कहा हे उत्तम वैष्णव, हे महाभागवत, हे कृष्ण प्रेमी भक्त,
आपने मेरे ऐसे ब्रह्म राक्षस को तार दिया, आपने ये कृष्ण का नाम दे करके, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। मुझको पता था कि ना अगर मेरा कोई कल्याण कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं, इसीलिए मैं राजकुमारी के अंदर घुसा था कि राजकुमारी का कल्याण करने के लिए और कोई चारा नहीं होगा राजा के पास, सिर्फ आपके पास जाना। क्योंकि जितने तांत्रिक आते थे इनका झाड़ फूक मेरे पे कोई काम नहीं करना, वो चाहे आसाम का झाड़ फूक वाला हो या बंगाल का या केरला का, मुझको पता था सिर्फ आप ही कल्याण कर सकते हैं। उन्होंने बोला जाए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जाए, तर गया। इसी प्रकार से बाग बाजार में एक मंदिर मिला था हमको। अब जो मंदिर था एक्चुअली मंदिर क्या वो जगह थी, इट वॉज हॉन्टेड, वहाँ पर वैसे भूत वगैरह रहा करते थे। तो क्या करें, कोई जगह मिल नहीं थी मंदिर के लिए, वो जगह मिल गई सस्ते में मंदिर के लिए, ठीक है वो जगह ले लेते हैं। अब श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज जो है वो अपना कुछ कार्य कर रहे थे ट्रांसलेशन का, साथ में भक्त को बोला तुम भागवतम पढ़ो साथ में, ओके। वो पढ़ रहा था, पढ़ रहे पढ़ते पढ़ते एक कंकाल जैसा हाथ आया, ऐसे हाथ बेहोश। तो श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसको उठाया, कहते उठो 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 क्या हो गया, कहते गुरुदेव एक ऐसा हाथ, कहते अरे कोई हाथ नहीं, हम सबके ऊपर श्री कृष्ण का हाथ है, पढ़ो फिर से पढ़ो। फिर से उसने पढ़ना शुरू किया, फिर से हाथ आया उसकी बात, जैसे ही उसका फिर से बेहोश, फिर से उठाया, कहते अरे क्या हो गया, कहते गुरुदेव वो हाथ बार बार आता है मेरे पास, वो कंकाल जैसा हाथ ऐसे आता है खिड़की से आता है वो। कहा तुम चिंता मत करो इस बार कुछ नहीं होगा, इस बार फिर से पढ़ रहा था वो, फिर से आता है। तो इस बार क्या किया, उस शिष्य को हटा करके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद सामने आ गए। अभी हाथ श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज की ओर बढ़ा और श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला हरे कृष्णा। जैसे बोला हरे कृष्णा तो कंकाल वाला जो हाथ था वहीं की वहीं उसको स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त हुई, उसने प्रणाम किया और वहां से वो चला गया। तो इसीलिए भूत प्रेत पिशाच को तारने की शक्ति भी किसमें है, कृष्ण के नाम के अंदर। एक बार प्रभुपाद जी थे कैलकटा में थे, तो कैलकटा में ही वॉज डूइंग ट्रांसलेशन वर्क, लिख करके ट्रांसलेशन वर्क कर रहे थे। तभी ना भूत क्या कर रहा था, बार बार ना उनका इंक पॉट गिरा देता था। तो इंक पॉट किसने गिराए, फिर इंक पॉट जो बचा हुआ इंक था उससे थोड़ा फिर लिखना शुरू किया, फिर से इंक पॉट लिया फिर गिरा दिया उसने। इस बार प्रभुपाद जी ने उसका हाथ पकड़ लिया उसका। प्रभुपाद जी बोला क्यों तंग कर रहा है तू मेरे को, मैं यहां भगवद गीता के ऊपर तात्पर्य लिख रहा हूं, तंग कर रहा तू मेरे को, शर्म नहीं आती तेरे को, बदतमीज। भूत ने कभी डांट नहीं खाई थी कभी, अरे भाई ये कौन से महात्मा जी हैं भूत को डांट लगाते हैं। तुमने बोला देखिए मैं असल में भूत हूं, मैंने स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार किया, मैं संत मैं साधु था लेकिन ना जो स्त्रियां मेरे पास आती थी शिक्षा लेने के लिए, मैं उनको अपने प्यार के जाले फंसा करके उनका मिसयूज करता था, उनका अपमान करता था मैं, और उनके चरित्र के प्रति मैं गलत कार्य करता था। तो उसका परिणाम ये निकला कि मेरे को भूत बनना पड़ा, क्योंकि मैंने अपना साधु होने का गलत इस्तेमाल किया इसलिए मेरे को भूत बनना पड़ा। तो फिर मेरे गुरुदेव के पास में गया था, मेरे गुरुदेव ने बोला अगर कोई शुद्ध भक्त अगर तेरे को हरे कृष्ण भगवान का नाम हरि का नाम सुना देगा ना तो तेरे को तेरे पाप कट जाएंगे और फिर तो अगला जन्म तेरा जो है फिर तो तर जाएगा। तो ये भूत बोला मुझको पता है आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं और आप भगवद्गीता पर तात्पर्य लिख रहे हैं, मैं आपको तंग करने के लिए इसीलिए आया कि आप हरे कृष्णा बोल करके मेरे को तार देंगे। कहता आप मेरे मैंने आपके मुख से हरे कृष्णा सुनना है बस, आप मेरे को भगवान का नाम सुना दो। तो प्रभुपाद जी ने उसका हाथ पकड़े पकड़े बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और शुद्ध नाम सुन करके वहीं के वहीं वो तर गया नाम। इसी प्रकार से बेल्जियम में हमको एक मंदिर मिला था। मंदिर क्या था एक्चुअली वो हॉस्पिटल था, वर्ल्ड वॉर टू में जहाँ पर लाशें दफन की जाती थी वो हॉस्पिटल था वो। तो वर्ल्ड वॉर टू तो ओवर हो गई, फिर लाशें वगैरह ली वहाँ से यहाँ वहाँ उनको फिर दफन कर दिया विदाउट प्रॉपर सेरेमनीज एंड प्रोसीजर। तो इसलिए वहाँ भूत प्रेत थे, ये सारी डेड बॉडीज हैं जिनका अंतिम संस्कार तो ठीक से हुआ नहीं, लेकर बस वैसे खोदा डाल दिया एक साथ, केमिकल डाला पिघलाया उनको, मिट्टी डाल दी, बस दैट्स इट। अब ये जो जगह थी ये जो बिल्डिंग मिली थी जो को हॉस्पिटल थी वर्ल्ड वॉर टू के समय में यहाँ पर रहते थे भूत प्रेत, इसलिए कोई बिल्डिंग कोई लेता नहीं था, उसमें आवाज़ें आती थी। अब आवाज़ें आती कौन लेगा, जो रात को सोए तो कोई ना कोई छन छन की आवाज़ कुछ गाने की आवाज़ गुम नाम है कौन लेगा ऐसी जगह। तो भक्तों ने कहा भाई हमें तो कोई जगह मिल नहीं रही मंदिर के लिए,
यही जगह ले लेते हैं चलो। तूने क्या किया, वो जगह ले ली। अब ले तो ली, अब भक्त को कभी कभी आके तंग करें कि भाई ये लोग कहाँ से आ गए। तो भक्तों ने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल है भाई, भूत अगर ऐसे तंग करते रहेंगे, रात को भक्त सोएंगे नहीं तो भला सेवा कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो भूतों के साथ मीटिंग करते हैं। फिर तो प्रेसिडेंट गए, एक दो ब्रह्मचारी और गए और भूतों से मीटिंग की। क्या देखो हम भी नहीं चाहते आप लोगों की जगह लेने के लिए, लेकिन हमको भी तो भक्ति का प्रचार प्रसार करना है ना। तो ऐसा करते हैं देखो, ये फर्स्ट फ्लोर पे जो वाला जो कमरा है ना, इसमें हम ताला लगा रहे हैं, ये आप लोगों का है, हम इसमें कभी नहीं आएंगे, इसमें ना कुकिंग होगी ना कोई ब्रह्मचारी ठहरेगा, ये एक्सक्लूसिवली आप ही का ही है और हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप हमको तंग मत करो, ठीक है जी। भूतों ने कहा ठीक है, ये ठीक है, पार्टीशन कर लिया तुमने, ये ठीक है। तो भूतों ने उस कमरे में रहना शुरू कर दिया। अब भक्त लोग बाहर थे, कीर्तन करते थे, भगवद गीता कथा करते थे, ये सब क्या करते थे। अब करते 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 हुआ क्या, उन्होंने नोट किया कि ना उस कमरे से जहाँ भूत जिसमें रहते हैं उसमें से आवाज़ आया करती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भूतों को ना वो अपने स्टाइल में कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भूतों ने फिर एक बार टेंपल प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया था, मैं कीर्तन करते लेकिन कतार में दंगा नहीं है भाई, एक जोड़ी हमारे कमरे में छोड़ दो। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक जोड़ी करताल रख दी अंदर, मृदंग रख दिया। अब तो अंदर मृदंग और करताल के साथ हरे कृष्णा, नाइस। भूत प्रेत पिशाच भी भक्त बन जाते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम सुन करके। तो भगवान ये भूत प्रेत पिशाच भी भक्त बन जाते हैं, भगवान कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है। ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। ऐसी मैं दिल्ली में जब जहाँ रहता हूँ, जहाँ मैं रहा करता था, ऐसी वो ना अंग्रेजों के समय में वो कब्रिस्तान था। तो कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान के ऊपर क्या, उन्हें मिट्टी डाल करके सरकारी मकान बना दिए ऊपर। तो हम वहाँ रहा करते थे, सरकारी मकान है लेकिन नीचे कौन है, नीचे तो लोग लेटे हुए हैं, राइट। अब हमारे घर में किसी ने आत्महत्या भी की थी तो एक चुड़ैल रहती थी और नीचे से जो निकला था भूत था। तो दो लोग रहा करते थे हमारे साथ और वो मेरे पेरेंट्स को दिखते भी थे और उनके साथ इंटरेक्ट भी करते थे। जैसे मेरी माँ अगर कुकिंग कर रही तो पीछे से कान बोलेगा, मेरी माँ पलटेगी, कोई नहीं, तो ये करते थे। या मेरी बहन अगर सो रही है तो उसके अंगूठा दबा देंगे, उठ गए है कौन, मेरे से पंगा नहीं लेते थे क्योंकि ना मैं हरे कृष्णा बहुत लाउडली करता था बालकनी में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे को दिखते थे लेकिन मेरे पास नहीं आते थे, मेरे को दिखते थे जैसे शाम को बिना तू यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ देख रहा हूँ लेकिन मेरे को ये तो पता है यहाँ कोई बैठा हुआ है, हालांकि मेरी नज़र तो आपकी और है लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है यहाँ कोई बैठा हुआ है 100%। पर ऐसे करूँ तो गायब हो जाए, ऐसा था। मैं 4 साल रहा उस घर में पेरेंट्स के साथ। तो जब 4 साल बाद मेरे पिताजी को टाइप फोर क्वार्टर मिल रहा था, तो अभी ये टाइप थ्री क्वार्टर थे, टाइप फोर क्वार्टर मेरे पिताजी की प्रमोशन हुई तो हम टाइप फोर क्वार्टर में जा रहे थे। तो हम जब अपना सामान पैक कर रहे थे, ये जो भूत थे ये आकर के मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किए, आप लोग मत जाओ, यहाँ जो हरे कृष्ण का कीर्तन होता है ना उससे हम शुद्ध होते हैं, हमारे पाप कट गए इस हरे कृष्ण का नाम सुन करके, हमारी रिक्वेस्ट है आप मत जाओ। अब हम ऐसे थोड़ी भूतों कहने पे हमारे रुक जाएंगे भाई, टाइप थ्री से टाइप फोर क्वार्टर मिलेंगे हम तो जरूर जाएंगे ना। अब तो हमने उनसे फिर मेरे माता पिता ने सॉरी मांगा, उनसे कहते देखिए हम ये छत को आपकी पूरी नहीं कर पाएंगे, जितना आपने सुन लिया बाकी अब आप लोग भी कुछ किया करो, ऐसे थोड़ी हमारा बेटा ही करता रहेगा आप लोगों के लिए, तो थोड़ा खुद भी कुछ करो। सो ऐसे भूत प्रेत जो हमारे घर में थे, जो कि मेरे पेरेंट्स को तंग करते थे, मेरी बहन को तंग करते थे, बाद में दे बिकेम वेरी फेवरेबल। और ऐसे मेरी मान लो सिस्टर बहुत तंग है, ऑफिस में किसी ने डांट लगा दी, बॉस ने डांट लगा दी, तो ऐसे हाथ करके चले जाएंगे और खाने बोलेंगे सब ठीक हो जाएगा। सो कहा वो आक्रामक थे कि ये लोग कहाँ से आ गए हमारे, ये तो मकान तो हमारा है, तो हम क्या करें भैया, सरकारी मकान अब कब्रिस्तान ने बना दिया सरकार ने, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। सो भूत प्रेत पिशाच इनका भी कल्याण कैसे होता है, नाम संकीर्तनम कृत्वा, भगवान श्री कृष्ण का नाम करना चाहिए। सर्व अनर्थ हरम तस्य, सारे अनर्थों का करेगा हरम, सारे पापों को हरम तस्य, ये है भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्वभाव। नाम संकीर्तनम स्मृतम, नाम संकीर्तन। तो सारी लिस्ट, पूरी लिस्ट बताई गई इसके अंदर, यक्ष राक्षस वेताल भूत प्रेत विनायक डाकिन्यो
पूरी लिस्ट डिलीवर्ड डिलीवर्ड डिलीवर्ड, तर गए तर गए तर गए तर गए तर गए तर गए। ऐसा है भगवान श्री कृष्ण भूत प्रेत पिशाच को भी तार दे। हमारे अंदर भी भूत प्रेत है, भौतिक इच्छाओं के, सांसारिक इच्छाओं की भूत प्रेत हमारे अंदर भी तो है। ये काम क्रोध लोभ क्या है, ये भूत प्रेत पिशाच चुड़ैली तो है जो अंदर बैठी सबके, कैसे जाएंगे ये? ये भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाएंगे। इतना शक्तिशाली है भगवान श्री कृष्ण का नाम। श्री प्रभुपाद मसीह मिलेनियम, श्री प्रभुपाद मसीह मिलेनियम।